ये कितने पैकेट नूडल्स बनाए हैं? 2 पैकेट। अल्लाह, ये मामू के 2 पैकेट बनाओ। मुझे क्या पता था कि मामू ने ऐसे कहा कि 1 पैकेट में दो थे। मुझे लोग ज्यादा इधर से खाना शाना बनवा के जाते हैं, मशहूर है बड़े डीए खान में। और वली में कहा है 350 नफा, 350 बंदे का। ठीक है, चिकन पुलाव हो गया, चिकन पुलाव, बीफ कोरमा हो गया, ओके, बड़े का नमकीन हो गया, ओके हो गया, खीर मिक्स हो गया, या हलवा ऐड करेंगे, दो चीजों में से एक, ओके हो गया, तो कबाब हो गया, कबाब हो गया, सलाद सादा नान और साथ में सादा नान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा नया दिन शुरू हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं बाहर निकल आया हूँ। अभी जो सबसे पहला काम करना है वो जाना है भाई, आपको पता है सर पे शादी आ गई है हमारी, तो उसके लिए जाना है पकवान वगैरह का इंतज़ाम करना है, वलीमे का, बारात का, वो जो खाने पीने का इंतज़ाम होगा ना, तो सारा चल के वो करना है। पकवान से मिलते हैं, क्या हिसाब किताब है, गोश्त वगैरह का सब, हर एक चीज़ का एस्टिमेट लेते हैं कि भाई कितना गोश्त लगना है, क्या क्या चीज़ ऐड करवानी है, खीर वगैरह, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, पुलाव, सारा मेन्यू का जाके उससे डिस्कस करते हैं, एस्टिमेट लेते हैं, सौदे शौदे उनसे लेते हैं, फिर उसके बाद बुकिंग शुकिंग करवाते हैं, डन करते हैं बात, फिर मिलते हैं आपसे, बैठते हैं गाड़ी में। ऑलरेडी बड़ा लेट हो चुका हूँ, इंट्रो मैंने बीच रोड में खरीदी है। गाड़ी इतनी दूर पार्क है लेकिन पकवान का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं किन गलियों में उसका घर है। ऊपर से रिमझिम बारिश भी हो रही है, मौसम काफी मस्त हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आओ जी अंदर। सर जी आपकी दुकान के पीछे हम इतना दूर पैदल चल गए हैं ना भाई, इस तरफ दौड़ो दौड़ो, इनका ना कुकिंग सीन होना है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखो वन बाय वन देखे शेगे इनकी बन रही है, बड़ा इनका काम चल रहा होता है, दुकान इनकी बड़ी फेमस है, लोग ज्यादा इधर से खाना शाना बनवा के जाते हैं, मशहूर है बड़े डीए खान में। भाई ने डायरी और पैड उठा लिए, यहाँ पे सारे एस्टिमेट वो लगा रहे हैं, जो जो लिखवाना है खाने पीने के, जितने बंदे हैं, क्या क्या मेन्यू है, वो सब कुछ अभी भाई लिखते हैं, ऐड करते हैं पेन पे, फिर उसके बाद एस्टिमेट लगा के देंगे वो हमें। मेहंदी और बारात में क्या क्या ऐड करवाया वो सिर्फ खाने का मुझे बता दें। मेहंदी में बनाया चिकन पुलाव, चिकन पुलाव हो गया, बीफ कोरमा हो गया, बीफ कोरमा हो गया, खीर मिक्स हो गई, खीर मिक्स, सादा नान हो गया, सादा नान हो गया, ये मेहंदी का हो गया, ये मेहंदी का, ये मेहंदी का खाने का सेटअप हो गया। ठीक है, और वली में कहा है 350 नफा, 350 बंदे का। ठीक है, चिकन पुलाव हो गया, चिकन पुलाव, बीफ कोरमा हो गया, ओके, बड़े का नमकीन हो गया, ओके हो गया, खीर मिक्स हो गया, या हलवा ऐड करेंगे, दो चीजों में से एक, ओके हो गया, तो कबाब हो गए, कबाब हो गए, सलाद सादा नान और साथ में सादा नान। यार ये जो सारा मेन्यू था अभी भाई ने आपको बताया, ये मेहंदी का भी आपको, वलीमे का भी बता दिया और बारात का भी बता दिया, खाने के जो जो आइटम्स है ना, तो वो सारे हमने उसमें ऐड करते हैं और साथ में आपको भी बता दिए। ठीक है भजन, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, पकवान का आपने सारा गुफ्तगू सुन लिया, हाल अहवाल सुन लिया, डिशेस का भी आपको बता दिया, जो जो डिशेज है बात फाइनल हो गया, पकवान की टेंशन भी खत्म हो गई है, बुकिंग हो गई है। मेरे पीछे आपको कुछ कपड़े नजर आ रहे, ये कपड़े जो पड़े हैं ना पीछे, 3 पन्नी है, मोटी मोटी पन्नी है, ये है प्रेस करवाने वाले, ये भी चल के धोबी को दे के आनी है, लेकिन उससे पहले मैंने भेजा, मैंने कहा चलो आप हैंगर लेके आओ, हैंगर नहीं थे बड़े कम थे, 3 दर्जन हैंगर लेके ना फिर इनको देने धोबी को, क्योंकि हैंगर के बगैर कपड़े प्रेस हो जाएं तो कोई फायदा नहीं है। 3 दर्जन हैंगर भी आ गए हैं। नाश्ता नहीं था किया, मैंने सोचा चलो यार अपने लिए एक मिल्क शेक ही पकड़ लूँ, यहाँ से भूख लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, एक खिल्ला खजूर मिक्स बना दो लेकिन बगैर चीनी के, हाँ डिस्पोजेबल पार्सल कर दो, ठीक है, जब वगैरह इधर अच्छे से वॉश करना था कि उसमें किसी और चीज़ का टेस्ट ना आए। चलें जी मिल शेक हमारा आगे, टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसे है, बोतलें तो मैंने वैसे ही छोड़ दी हैं। मजे के पहुंचे हैं धोबी के पास, उनको कपड़े शपड़े देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, सारे कपड़े उनको दे दें, सामने उनकी शॉप है वो, ये रही उनकी शॉप। धोबी साहब को कपड़े दे दिए हैं, लेडीज के जो हमारे सूट हैं वो तो खैर है जब दे दें, लेकिन जेंट्स के जो सूट है ना हमारे, वो ये कल देंगे इनको। मैंने कहा भाई हमें कल दे दो, क्योंकि हमने पहने होते हैं रोजाना, सूट चेंज होते हैं तो फिर मसला होता है, इतने घर वाले भी नहीं धो पाते ना इस्त्री कर पाते हैं, क्योंकि शादी सर पे है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से धोबी को फिर दे आते हैं। आए मिस्त्री के पास टेपो वाले पे, सामने आपको नजर आ रहा होगा, टेप वगैरह तो ओके, लेकिन मेरे ख्याल में पीछे कोई एक आधा स्पीकर काम नहीं कर रहा, वो भी सेट करवाते हैं, और बेस ट्यूब हमने निकलवाई थी वूफर, वो भी उतरवाया था, उसको भी दोबारा लगवाते हैं ताकि ढोल ढमक कर जरा ओके हो जाए। फिर इसको कहते हैं बेस ट्यूब, ये सामने आपको नजर आ रहा है ना बड़ा स्पीकर, इसी में से सारी गाड़ी की धमक आती है, ये बंद हुआ पड़े भाई, उसको भी चेक कर रहे हैं, करते हैं फिर पूरी गाड़ी ना इसी से मिलेगी, जब इसकी धमक स्टार्ट हो जाएगी, चेक कर रहे हैं मेरे ख्याल में तारे शारे हिले हुए हैं, ओके कर दें, फिर सुनाता हूँ आपको आवाज़ भी।
अच्छा जी, गाड़ी का काम शाम करवा लिया, वहाँ से फ्री हो गए। यहाँ पे मुझे फ्राइज वाले भाई नजर आए हैं, बेच रहे हैं भाई। बड़ी इनकी नया स्टार्टअप है, इन्होंने नई शॉप बनाई, लेकिन फ्राइज इंतहाई लाजवाब किस्म के। मैंने एक दो ट्राई किए, चेक किए हैं लेने से पहले, लेकिन बेहतरीन टेस्ट है भाई से लेते हैं। चलो मैंने कहा जाते हुए प्राइस भी पिक कर लेते हैं। हाँ यार, क्या हुआ? बुखार हुआ पड़ा है, गला भी खराब है और बुखार है भाई साहब। भैया को है बुखार, उसको अभी लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। रात का टाइम हो चुका है, निकले हैं घर से बाहर। मैं तो आया था लेकिन मुझे पता नहीं था, अभी जाते हैं। खैर इसको चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं इसको। आए थे हया का स्कूल का यूनिफॉर्म लेने के लिए, लेकिन वो अभी बंद है दुकान। क्या उल्लू कपट है यार, बंदा अंदर बैठे हुए दरवाजा नहीं खोल रहा, कहते 2 घंटे पहले ही क्लोजिंग हो चुके हैं। भाई यूनिफॉर्म लेनी है बच्ची की, बंदा खोल देते हैं, खबीस इंसान बैठे हुए अंदर और कह रहे हैं कि नहीं है यूनिफॉर्म। क्या कहें यार, इस बेचारी का यूनिफॉर्म लेना था स्कूल का। घर जा रहा था, मुझे चलते चलते ना तरबूज नजर आया, मैंने गाड़ी रोकी बीच रोड में और वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब, कैसे हैं? क्या हिसाब किताब है, प्लेट के हिसाब है, किलो का है? किस तरह किलो है? 1 किलो बना दें, हाँ शॉपर में दे दें, ठंडा हो जबरदस्त किस्म का, ठीक है, और मीठा हो, साथ में काला नमक भी हो। खुश रहें, मेहरबानी यार। तरबूज मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है, बड़े शौक से खाता हूँ, हया को भी पसंद है। तो ऐसा तरबूज पड़े देखो, हाँ जी हाँ जी, सही लाल पीला है। चाचा जी तोल के दे रहे हैं हमें, VIP बना के हैं। आए जी, चाचा ने साथ में काला नमक पैक कर दिया है और तरबूज भी दे दिया है। काले नमक के साथ ना तरबूज का जायका दुगाला हो जाता है। ये नहीं चाचा जी, पैसे आपके, मेहरबानी जी, शुक्रिया। चलते हैं यार, बैठते हैं गाड़ी में। ये कितने पैकेट नूडल्स बनाए हैं? 2 पैकेट। अल्लाह, ये 2 पैकेट नूडल्स क्या अच्छा कर रहा है? बात तो सुनो, मामू ने कहा 2 पैकेट बना, मुझे क्या पता था कि मामू ने ऐसे करके 1 पैकेट में 2 थे, मुझे लगा दोनों बनाने। ये दो जो इतने बड़े बड़े पैकेट तुम्हें तो बंदी थी, तुम्हें नजर नहीं थे आ रहे दो जो पैकेट है इतने बड़े बड़े। दो पैकेट इतने बड़े बड़े तुम्हें नजर नहीं है, एक ये पड़ा है पैकेट। फिर आगे से मम्मा कहती है आप सारे खत्म करने वाले, खैर नहीं है। तो सही कहती है ये ब्रज रज के, मैं तो कहता हूँ ऐसा करो, 2 ये मसाले डाल दो, ये भी डाल दो, साथ में ऐसा करो ये भी डाल दो। दिशान माओ, दिशानी का डांस देखो। दोनों शुरू हैं। घर पहुंच चुके हैं और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।